हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है। कोर्ट में एक शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, कन्विक्शन। हम लोग अमूमन देखते हैं कि दैट दिस पर्सन इज कन्विक्टेड, फलाने व्यक्ति को कन्विक्शन हो गया, अमुक व्यक्ति को कन्विक्शन हो गया किसी पर्टिकुलर मैटर में। इफ कन्विक्शन इज बीइंग डन, इफ कन्विक्शन इज ग्रांटेड बाय ऑनरेबल कोर्ट, देन व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, जो भी एविडेंसेस थे, वो सब आपके अगेंस्ट हैं, आप पर आरोप सिद्ध हो गए, कोर्ट ने आप पे चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, ट्रायल का प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब आपको कोर्ट सजा सुना चुका है, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल जो भी, वॉट एवर इज द टेन्योर, जो भी जिस कंडीशन, जिस टाइप की पनिशमेंट कोर्ट ने आपको दी है। तो इसका मतलब हो गया, अगर कोर्ट ने आपके ऊपर सारे चार्जेस का जो विवरण देख लिया है, उसको समझ लिया कि हाँ, ये व्यक्ति एक्विटल करने लायक नहीं है, यानी कि उस पर अब दोष सिद्धि हो चुकी है कंप्लीटली, उस पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सही साबित हो चुके हैं, उसको सजा देना अनिवार्य है, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि कोर्ट ने किसी बंदे को कन्विक्ट कर दिया है, दैट मींस कि आपका कन्विक्शन हो गया है पर्टिकुलर मैटर में। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। इफ इट इज क्लियर देन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। 1 लाइक और 1 सब्सक्रिप्शन और 1 शेयर काउंट्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।